गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑटो इंजन 2 में फ्यूल सप्लाई सिस्टम के चैप्टर के बारे में। इसमें सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंजन को कंटिन्यूसली रन करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, और फ्यूल की सही मात्रा इंजन तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है ताकि इंजन सही से परफॉर्म कर पाए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बनाने के लिए, और एक प्रॉपर अमाउंट फ्यूल की इंजन तक पहुंचती रहे इसके लिए उन्हें एक इस मैनर में जोड़ा जाता है कि वो प्रॉपरली अमाउंट को इंजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रेगुलेट करें, जनरेट करें और इंजन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स डीजल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं और किस किस मैनर में कनेक्ट किए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टोरिंग ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल को स्टोर करने के लिए हमें कुछ वेसल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग व्हीकल में यूज़ करते हैं फ्यूल टैंक, जो कि व्हीकल की मोस्टली रेयर साइड में नीचे की तरफ सीट्स के नीचे माउंट किया होता है, और उसमें हम डीजल फ्यूल अपना कैरी करके चलते हैं। और सेकेंड आप देख रहे हैं फिल्टरिंग। फ्यूल को फिल्टर करने की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि फ्यूल में कई तरह के सेडिमेंट्स होते हैं, मिट्टी के धूल के कण हो सकते हैं या कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं फ्यूल इंजेक्टर में या फ्यूल इंजेक्शन पंप में पहुंच जाएं तो हमारा जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो क्लॉग हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने से पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाए। क्लीनिंग में एक तो हम लोग डर्ट को रिमूव करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वाटर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसे भी रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दो तरह के फिल्टर्स आमतौर पर यूज़ करते हैं हम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फिल्टर जो है वो फ्यूल फीड पंप से पहले लगा होता है, लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को और वाटर को फ्यूल फीड पंप में जाने से रोकता है। ऑप्शनल है, वायर गेज टाइप होता है, इसे यूज़ भी किया जा सकता है और इसे इग्नोर भी किया जा सकता है। सेकेंडरी फिल्टर जो है वो फ्यूल फीड पंप के बाद में लगाया जाता है, और ये फाइन पार्टिकल्स को यानी डस्ट पार्टिकल्स को या डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है और फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाने से रोकता है। थर्ड पार्ट जो हमारे पास लगा होता है कंपोनेंट, वो है डिलीवरी ऑफ फ्यूल टू इंजेक्शन पंप। अब इंजेक्शन पंप को फ्यूल डिलीवर करना है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फ्यूल टैंक से जो हमारा फ्यूल है वो फ्यूल फीड पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाएगा, और फ्यूल इंजेक्शन पंप एक रिक्वायर्ड अमाउंट इंजेक्टर को डिलीवर करेगा अकॉर्डिंग टू दी इंजन रिक्वायरमेंट्स, इंजन लोड या हमारे जो एक्सलरेशन है उसके अकॉर्डिंगली एक रिक्वायर्ड अमाउंट, एक रेगुलेटेड अमाउंट जो है वो फ्यूल की डिलीवर करेगा इंजेक्शन पंप। फोर्थ आप देख रहे हैं इंजेक्टिंग द फ्यूल इनटू द इंजन सिलेंडर। अब एग्जैक्ट अमाउंट हमें एटोमाइज करके हाई प्रेशर पे इंजन के अंदर जो है करेक्ट सीक्वेंस में और करेक्ट मूवमेंट में हमें डिलीवर करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, और उसके साथ हम फ्यूल इंजेक्टर्स को जोड़ते हैं। हर एक सिलेंडर में एक इंजेक्टर लगा रहता है। स्टील की पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी हाई प्रेशर फ्यूल जा रहा है वो प्रेशर को पाइप्स सस्टेन कर पाए और एग्जैक्टली वही प्रेशर से फ्यूल डिलीवर हो इंजन सिलेंडर के अंदर। और लास्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग दी इंजन स्पीड। अब डीजल इंजन में जैसे ही फ्यूल डिलीवरी स्टार्ट की जाए, हो सकता है कि लोड कम होने की वजह से उसकी इंजन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक पार्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे गवर्नर कहा जाता है। गवर्नर जो है वो स्पीड और लोड के अकॉर्डिंगली फ्यूल डिलीवरी को कंट्रोल करता है कि इंजन को कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए एक स्केच मैं आपको दिखाता हूँ कि किस सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ये आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में से दो लाइंस निकलेंगी, एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट, और एक फिलर कैप लगा रहता है जिसे हम फ्यूल को फिल करते हैं। ड्रेन कोक का इस्तेमाल किया जाता है टैंक को क्लीन करने के लिए। बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स जब इसमें इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ड्रेन कोक को ओपन करके इसमें से जो हमारे सेडिमेंट्स हैं उसको रिमूव करते हैं। सो यहाँ से जो डिलीवरी लाइन है आप देख पा रहे हैं फ्यूल फीड पंप में जा रही है। फ्यूल फीड पंप के अगर आगे यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहेगा तो उसे हम प्राइमरी फिल्टर कहेंगे, यहाँ पे हमने नहीं यूज किया है। सो ये जो है हमारा सेकेंडरी फिल्टर है। फ्यूल फीड पंप क्या करेगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक करेगा और सेकेंडरी फिल्टर में से पास करके फ्यूल इंजेक्शन पंप तक लेके जाएगा। फ्यूल फीड पंप दो तरह का हो सकता है, या तो इंजन ऑपरेटेड होगा या मोटर ऑपरेटेड होगा। अगर इंजन ऑपरेटेड है तो इसे इंजन के नियर माउंट करना पड़ेगा। जैसे ही इंजन को हम क्रैंक करना स्टार्ट करेंगे तो ये मैकेनिकली रिवॉल्व होगा और यहाँ से
टैंक से फ्यूल को सक करेगा। अगर बैटरी ऑपरेटेड है, मोटराइज्ड है, तो इसे हम फ्यूल टैंक के ऊपर ही माउंट करते हैं। जैसे ही हम इग्निशन को ऑन करेंगे, हमारा फ्यूल फीड पंप वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आज की डेट में हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप ही यूज करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड पंप ही यूज करते हैं। उसके लिए हम जो उसके एडवांटेजेस हैं वो फर्दर डिस्कस करेंगे। फ्यूल फीड पंप जब फ्यूल को सक करता है और अंडर प्रेशर फ्यूल फिल्टर में से पास करके फ्यूल इंजेक्शन पंप को देगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या है? एक इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर्स प्लंजर्स लगी होती हैं और इंजन की क्रैंकशाफ्ट से पावर लेके इसे रोटेट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर पाइप्स को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग इंजेक्टर्स पे। और जो प्लंजर्स लगी हैं वो हाई प्रेशर फ्यूल को डिलीवर करती हैं इंजेक्टर की सहायता से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे हमारे पास 4 इंजेक्टर लगे हैं और 4 ही पाइप्स जो हैं वो इंजेक्शन पंप से निकल करके हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स में जा रही हैं। और उसके बाद हर एक इंजेक्टर के ऊपर एक रिटर्न लाइन लगाई गई है जो कि एक्स्ट्रा फ्यूल को हमारा फ्यूल टैंक तक वापस लेकर के आएगा। रिटर्न पाइप आप देख सकते हैं, यहां से होती हुई ये सारी रिटर्न पाइप जो हैं वो फ्यूल को टैंक में वापस लेके आ रही हैं ताकि फ्यूल की वेस्टेज ना हो।